नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम का थर्ड पेपर, जिसको हम प्रायोगिक भूगोल भी कह सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायोगिक भूगोल में आपके 24 नंबर का रिटर्न होता है और आपके 10 प्लस 4 10 नंबर का फील्ड सर्वे, उस पर 4 नंबर का वायवा, 8 नंबर का आपका रिकॉर्ड जो आप वर्कबुक बनाते हैं या के फाइल बनाते हैं, वो उस पर 4 नंबर का वायवा। तो कुल मिलाकर ये आपका 50 नंबर का पेपर है और इसमें भी आपके अन्य पेपर की भांति आपका जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो यूनिट है सेक्शन ए में आपका जो डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ स्केल, मापक की परिभाषा, उसके प्रकार, साधारण मापक, तुलनात्मक मापक, कर्णवत मापक, इसके बाद आते हैं ग्राफ, ग्राफों में आपके रेखीय आरेख, दंडारेख, मिश्रित दंडा रेखीय आरेख, बार डायग्राम, बार ग्राफ, ईदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ जो जलवायु के ग्राफ हैं, जल बजट और आपके विंड वैन पवन आरेख। इसमें 2 आपका वेदर मैपों का अध्ययन है, इसमें उसके वेदर सिंबल, मौसम मानचित्र, उसके मौसम मानचित्र संकेत और जो 2 जनवरी और जुलाई के 2 मौसम मानचित्रों का अध्ययन। तो ये आपका यूनिट था ए, सेक्शन ए। बी सेक्शन में आपके आता है मेथड एंड शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर ऑफ एश्योर, हिल सेटिंग, पर्वतीय छायाकरण, एश्योर बेंचमार्क, स्पोर्ट साइट, तलचिन, आकृति रेखाएं, समोच्च रेखाएं, और समोच्च रेखाओं की सहायता से आपके पहाड़ी, पठार, विभिन्न प्रकार के ढाल, वैली, घाटी, कटक, काठी, गौर्ज, जलप्रपात, एस्कार्पमेंट, झील, स्पर आदि को इनके द्वारा प्रदर्शन। और फिर आपके परिच्छेदिकाएँ, परिच्छेदिकाओं में आपके सैक्रम परिच्छेदिकाएँ, सुपर इम्पोज परिच्छेदिकाएँ, प्रोजेक्टेड परिक्षिप्त परिच्छेदिकाएँ। तो ये आपका खंड ब था। और खंड से में आपके सर्वे, सर्वे में आपके उसका मीनिंग, सर्वे का क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेशन, उसका वर्गीकरण और महत्व, और आपके जो सर्वे में है जरी फीता सर्वेक्षण है। तो ये था आपका सिलेबस था। और आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपके जो मापक हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है कि ज्योग्राफी इज एरिया डिफरेंटेशन साइंस, जिसमें पृथ्वी तल पर विद्यमान प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में यह अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है। इन विधियों में मानचित्रों का उपयोग भी अभिष्ट है। मानचित्र धरातल के किसी भूभाग का लघुकृत चित्रण होता है जो मापक से संभव होता है। मापक के कारण मानचित्र अधिक यथार्थ वैज्ञानिक तार्किक विश्लेषण में सहायक होते हैं। अतः भूगोल में मापक का ज्ञान आवश्यक नहीं, अनिवार्य एवं सार्थक है। मानचित्र में दूरियों को सही सही प्रदर्शित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो उपयुक्त मापने द्वारा संभव होता है। बिना मापक के मानचित्र रेखाचित्र कहलाता है, या इसको हम खाका कहते हैं, आउटलाइन मैप कहते हैं, उसको हम मानचित्र नहीं कह सकते। अब आता है सबसे पहले मापक का अर्थ, मापक कहते किसे। मापक धरातल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर प्रदर्शित उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात होता है। कहने का मतलब, धरातल पर किन्हीं कोई 2 बिंदु ए बी जिनकी वास्तविक दूरी और उन्हीं बिंदुओं की मानचित्र पर वास्तविक दूरी के मध्य जो अनुपात होता है, जो संबंध होता है, रेशो होता है, उसको हम मानचित्र कहते हैं।
सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि धरातल पर मानचित्र की दूरियों धरातल व मानचित्र की दूरियों के अनुपात को मापक कहते हैं। उदाहरण के लिए दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर को मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर उस मानचित्र का मापक। मानचित्र पर मापक का प्रदर्शन। मानचित्र पर मापक प्रदर्शन की 3 विधियाँ प्रचलित हैं। किन किन विधियों से हम मानचित्र पर मापक रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहला है कथनात्मक मापक, इसको अंग्रेजी में हम स्टेटमेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न विधि, प्रतिनिधि भिन्न विधि, और तीसरा है आलेखिक या रेखीय मापक। मानचित्र मापक के आपके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले कथनात्मक मापक, इस विधि में मापक को शब्दों में बोलकर या कहकर व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1 इंच बराबर 2 मील। अर्थात मानचित्र पर इनका तात्पर्य क्या हुआ, पहले उसका है 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 मीटर के बराबर है, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 2 मील के बराबर है। दूसरे का ये सबसे सरल विधि है, क्योंकि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे समझकर दूरियों की गणना कर सकता है, परंतु इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि यह मापक उसी देश में पढ़ा जा सकता है जहां माप पद्धतियां प्रचलित हैं या उसको हम जानते हों। अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां हैं, तो उसमें वो दूसरे देश के लिए वो मापक निरर्थक होगा या वो मानचित्र बेकार हो जाएगा। मान लीजिए हम जिस देश की इकाई के हम ज्ञान नहीं है और वो हम उस मानचित्र को हम उसको नहीं समझ सकते, इसलिए ये प्रचलित ये पद्धति ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न विधि, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF मेथड भी कहते हैं। यह संख्यात्मक मापक है जिसमें मापक एक भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें अंश मानचित्र की दूरी तथा हर धरातल की वास्तविक दूरी को प्रकट करता है। भिन्न के अंश का मान हमेशा 1 इकाई होता है, जैसे एक मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न 1/100 या 1 लाख है, तो मानचित्र की 1 इकाई धरातल की 1 लाख इकाई के बराबर है। इस विधि को सबसे अधिक उपयोगिता है क्योंकि इसमें प्रदर्शक भिन्न से भिन्न किसी देश में भी वहाँ की माप प्रणाली से रेखिक दूरियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मापनी पढ़ी जा सकती है। तीसरी जो विधि है आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, इसे रेखीय मापक भी कहते हैं। इसमें मापक एक सीधी रेखा में खींचकर उसे प्राथमिक एवं गौण भागों में बांटकर इकाई संख्या लिखकर प्रकट करते हैं। कहने का मतलब इस मापक के अंतर्गत हम एक रेखा खींचकर उस पर प्राथमिक और द्वितीयक जो भी इकाई है उसको लिखकर मानचित्र पर स्केल प्रकट करते हैं, मापक मापनी प्रकट करते हैं। इस मापनी में मानचित्र के विवर्तन एवं लघुकरण प्रक्रिया में भी मापक स्वतः परिवर्तित हो जाता है। आलेखी मापक 5 प्रकार के होते हैं, साधारण मापक, तुलनात्मक मापक, कर्णवत मापक, वर्नियर मापक और अन्य मापक। और ये 3 प्रकार साधारण मापक, तुलनात्मक मापक और कर्णवत मापक, हम इसे पूर्व की कक्षाओं में भी अध्ययन करके आए हैं। नेक्स्ट अब आता है कि मापकों का रूपांतरण, कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है, एक मापक से दूसरे मापक को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। मापक प्रदर्शन की विधियों में आपसी परिवर्तन को ही मापकों का रूपांतरण कहते हैं। कथनात्मक को RF में, RF को कथनात्मक में, इस प्रकार के कन्वर्जन आपका मापकों का रूपांतरण कहलाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है कथनात्मक मापक को प्रदर्शन भिन्न में परिवर्तन। कथनात्मक मापक को प्रदर्शन भिन्न में बदलने के लिए सर्वप्रथम मानचित्र एवं धरातल की दूरियों के अनुपात को एक ही इकाई में बदलकर अंश को 1 इकाई बनाते हैं तथा इकाई समान होने पर उसे प्रदर्शक भिन्न के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब
एक सेंटीमीटर बराबर धरातल की दूरी 5 किलोमीटर, इसलिए एक सेंटीमीटर बराबर 5 × 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये जो आपका कन्वर्जन हुआ प्रदर्शक बिंदु भी 1:5 लाख, हमने क्या किया कि 5 को 1 लाख से गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद में हमारे पास में जो भिन्न आई वो है 1, ये मानचित्र की दूरी है, और 5 लाख ये आपके धरातल की दूरी है। हमने इसको उसकी इकाई को 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर में उसके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे उदाहरण 2 लेते हैं, इसमें लिखा है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर। तो इसको किस प्रकार से कथन आप उसमें कथनात्मक मापक में कथना आरएफ में बदलेंगे, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 किलोमीटर, 1 × 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 2 + 2 × 10,000, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हमने 2 को 10 × 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, + 6 × 1,000, हमने 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 6 को 1,000 से गुणा कर दिया। आगे चल के इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख प्लस 2 से करोगे इसको आपका तो ये कितना हो जाएगा 20,000, प्लस 6 से करोगे इसको तो ये हो जाएगा 6,000। तो 1 लाख प्लस 20,000 और इसमें हमने 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि हमें इसको भी 1 सेंटीमीटर में लाना है, यहाँ 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये भी इसका आधा हो जाएगा, तो ये टोटल होता है आपका 1,26,000, और उसमें यदि हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 63,000 सेंटीमीटर, तो ये 1:63,000 सेंटीमीटर का ये जो आपका प्रतिनिधि भिन्न होगी, इसलिए ये प्रदर्शक भिन्न 1:63,000 होगी। आगे हम तीसरा उदाहरण देते हैं कि 1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 1 मील, अतः 1 × 1 × 63,360, 63,360 क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, अतः जो आपकी प्रदर्शक भिन्न बनेगी आरएफ बनेगा 1:63,360 में ये कन्वर्जन हो गया। आगे चलकर हम आगे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 इंच बराबर 2 मील 2 फल्लांग और 40 कद। अब इसको भी जैसे हमने ऊपर बनाया था उसी प्रकार से 4 इंच बराबर 2 × 63,360, पहले हम इसको 63,360 से 2 को गुणा करेंगे, प्लस 2 × 7920, 7920, तो हम क्योंकि एक फल्लांग में 7920 इंच होते हैं, तो हमने 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे 40 गज, तो 40 × 36, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं, तो ये सारे कुल इंच बन गई हमने। अब इसमें हमने 4 को डिवाइड कर दिया क्योंकि इसको भी 1 लाना है, तो ये 1 इंच बराबर 36,000 इंच, तो ये आरएफ बनेगा, तो 1:36,000 इंच बनेगा। तो इस प्रकार से हम चाहे संख्या कोई हो उनको हम इसको वापस कन्वर्ट करके आरएफ में कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदल सकते हैं, बशर्ते हमें उसकी इकाई का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आगे प्रदर्शक भिन्न को किस प्रकार से कथनात्मक मापक में परिवर्तन, यदि आपको प्रदर्शक भिन्न आरएफ दे रखा है तो उसको हम कथन में कैसे परिवर्तन करेंगे। प्रदर्शक भिन्न वह अनुपात है जिसका अंश मानचित्र की दूरी और हर धरातल की दूरी को प्रकट करता है, अतः अंश एवं हर एक बार में एक ही इकाई में बदले जा सकते हैं, अर्थात प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक मापक में बदलने के लिए अंश व हर को एक ही इकाई सेंटीमीटर या इंच में मानकर हर को उसी माप की प्रणाली में बड़ी इकाई में बदल कर लिखा जा सकता है, जिसे 1:100 को 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिखेंगे। आगे उदाहरण 1:1 लाख दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर इसमें 1 लाख का भाग दे दिया तो 1 किलोमीटर, तो जो आपका कथनात्मक मापक होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर 1:144, 1 इंच बराबर 144 इंच, अब इसमें 36 को है तो ये इसमें गज बन गई, तो यहाँ पर 1:4 आपका 4 गज, 1 इंच बराबर 4 गज, ये आपका कथनात्मक मापक होगा। 1:5,000, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 सेंटीमीटर,
एक सेंटीमीटर की दूरी, इसमें हमने 1000 का भाग दे दिया, तो एक अनुपात एक सेंटीमीटर बराबर 5 डेका मीटर बन गए, क्योंकि एक डेका मीटर में 1000 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 डेका मीटर का। यहाँ पर एक अनुपात 1,90,080 दे रखा है, तो एक इंच बराबर एक, अब इसमें 63,360 का भाग दे दिया, तो इसको ये 3 बार, तो एक इंच बराबर 3 मिल, ये आपका कथनात्मक मापक हो गया। नेक्स्ट आता है मानचित्र पर मापक ज्ञात करना। अब मानचित्र पर हम स्केल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कोई मानचित्र है तो उसका क्या मापक होगा, उसको कैसे। किसी भी मानचित्र पर अंकित दो स्थानों या दो बिंदुओं की धरातल पर वास्तविक दूरी ज्ञात हो तो मानचित्र पर मापक ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो भी मानचित्र है जिसके दो स्थान आप आइडेंटिफाई जानते हैं और मानचित्र आपके पास में है, और यदि उनकी वास्तविक दूरी का ज्ञान है तो आप उसको मानचित्र पर, क्योंकि जो आप में मानचित्र जो डिस्टेंस आ रही है सेंटीमीटर या इंच में, और वास्तविक दूरी से उसका जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो उसके मध्य में मापक होगा। तो दो स्थानों के बीच की दूरी माप कर उसी वास्तविक दूरी से अनुपात ज्ञात करके मापक की गणना की जा सकती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा दिया गया है, समझा रहे हैं। किसी मानचित्र पर ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी 2.4 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर ए बी स्थान 2.4 सेंटीमीटर से दिखाए गए हैं, तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी 12 किलोमीटर है। अब हम इस क्या करेंगे, 12 किलोमीटर को 1,00,000 से गुणा कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 2.4 को भी हमें 1 लाना है तो उसमें हम इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर या 2.12 × 1,00,000 सेंटीमीटर, इसको एक से क्यों किया है, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर बनाना है। अब एक सेंटीमीटर बराबर इसमें हमने 2.4 का भाग दे दिया, तो ये हमारे पास में आ गया 5,00,000। तो इसका जो RF होगा 1:5,00,000, तो या 1:5 कहें कि हम 5 किलोमीटर की ये दूरी आ गई। दूसरा उदाहरण हम यदि देखते हैं कि एक मानचित्र पुराना हो जाने के कारण उसका मापक मिट गया, इसमें 2 ग्रामों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर और उनका वास्तविक धरातल 5 किलोमीटर है। क्लियर है कि आपका मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर है और उसकी वास्तविक दूरी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 5 × 1,00,000 या 5,00,000 सेंटीमीटर। इसलिए 1 बराबर होगा आपका, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो यह होगा 1:25,00,000। तो ये आपका इसका कथनात्मक मापक हो गया RF को किस प्रकार से। नेक्स्ट आता है अब कि जब हम साधारण मापक बनाते हैं तो रेखा विभाजन की कौन कौन सी विधियां हैं, रेखा को डिवीजन करने की विधियां। आलेखी मापक बनाने के लिए सर्वप्रथम निरूपक भिन्न के अनुसार गणना करके हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करके लंबाई ज्ञात करते हैं। साधारणतः अभ्यास ठीक है। इसके बाद रेखा को मुख और गौण भागों में बांटकर मापक की इकाई प्रदर्शित करते हैं। सरल रेखा को समान भागों में बांटने के लिए 2 विधियां का सहारा लेते हैं, एक तो आपके न्यून कोण विधि है और एक है आपका लंब विधि। मान लीजिए कोई ए बी रेखा है, उसको समान भाग करने हैं, मान लीजिए 5 करने हैं इतने, उस पर एक ए पर एक न्यून कोण बनाएं, रेखा खींचिए और उसको प्रकार से सही दूरी ए सी के बराबर दूरी डी ई एफ जी एच चिन्ह लगा दिए, इसी प्रकार एच बिंदु पर बिंदु को मिलाइए। तो इस प्रकार से जैसे इसमें नीचे दिया गया है कि ये रेखा है, इसमें कोण बना दिए और वो समान दूरी से उसके काट दिए। अब उसके बाद में इसको दूसरे उससे जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, ये लंब के द्वारा ये न्यून कोण के द्वारा, तो ये 2 विधियों से एक लंब डालकर एक कोण बनाकर किसी रेखा को समान भागों में बांटा जा सकता है। उसको न्यून कोण बनाकर कितने भाग करने हैं उस पर निशान लगा दीजिए उस पर, और उस पर आगे वाले पर उसको एक दूसरे को मिला दीजिए, तो ये आपकी रेखा का डिवीजन हो जाएगा 2 विधियों से। अब हम साधारण मापक बनाते हैं, जैसे सिंपल स्केल है। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि RF 1:63,360 पर मील फलांग पढ़ने के लिए एक साधारण मापक की रचना करो। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनको किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है दिया गया है, क्या है प्रतिनिधि बन दे रखी है 1:63,360। अब हमें इसका क्या मतलब है, कैलकुलेशन आपके 2-3 लाइन की होती है। चूँकि 1 इंच मानचित्र की दूरी, 63,000 इंच वाला मानचित्र है,
इंच प्रदर्शित करती है धरातल की दूरी बराबर 63,360 इंच को। एक इंच ये मानचित्र के अंश मानचित्र का होता है और हर धरातल के, तो एक इंच बराबर 63,360, या हम इसको 63,360 का भाग देंगे तो डायरेक्ट एक मील बन जाएगी, इसलिए, या हम कहें कि एक मील, इसलिए 6 इंच की दूरी। अब हम जो रेखा की जो लंबाई लेते हैं वो आपके मैक्सिमम 6 इंच, 5 से लेकर 6 इंच के मध्य में लेते हैं, माचले इसमें 5 लेते हो तो 1 × 5 = 5 मील हो जाएंगी, 6 लेते हो तो 1 × 6 = 6 मील। अब इसको बनाने कैसे है ये देखना है, रचना विधि। हम सबसे पहले जो 6 इंच रेखा की लंबाई, ये 6 इंच, तो ये हम 6 इंच रेखा की लंबाई लेंगे। इसके बाद में इसमें इसके 6 समान भाग करेंगे, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको समान समान भागों में 6 जगह डिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपको किताब में ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये भी जैसे बराबर इसी इतने जितने हो गए समझाने के लिए हो सकता है, बाकी ये गलत है। अब इसमें आपने 6 इंच को 6 समान भागों में डिवीजन कर दिया, पहले उस पर 0 लिखेंगे, दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, इधर हम मील इकाई होगी। इसके बाद में एक मील में होते हैं 8 फल्लांग, तो इसको या तो इसके 4 कीजिए, 2, 4, 6, 8 फल्लांग लिख दीजिए, और या फिर इसके 8 कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये फल्लांग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले हम 3 लाइन की कैलकुलेशन करेंगे कि इतने इंच या ये सेंटीमीटर करते हैं कितने धरातल के, इसलिए एक करेगा उसमें उस संबंधित इकाई का भाग दे दीजिए तो वो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मील है चाहे किलोमीटर है। इसके बाद में जो रेखा की लंबाई आमतौर पर इंच में 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में हम 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं, उससे आपके जो रेखा की लंबाई और उसमें प्रदर्शित इकाइयों की संख्या निकल आएगी। फिर उसको आप संबंधित जो रेखा की लंबाई है वो खींचिए, उसको समान जितने भाग डिवीजन के उसको डिवीजन कीजिए, 0 उपभाग से लेकर उसमें मार्किंग कीजिए, और इसके बाद में मार्किंग करते हुए ये आपका साधारण मापक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ऊपर RF लिख देंगे इसका, ये आ गया, और इसको सुंदर बनाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाकर और इसको एक छोड़कर एक काला इसको ब्लैक कर सकते हैं तो आकर्षक ये बन सकता है। आगे एक उदाहरण और देते हैं, RF 1:500 पर मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक सरल मापक की रचना है। वही आपके चूंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 500 सेंटीमीटर, या इसमें 100 का है तो 5 मीटर हो गया, हमने उसका 100 का भाग दे दिया तो ये मीटर बन गया, इसलिए 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए इसमें 10 दे सकते हो 15 दे सकते हो, तो 15 × 5 = 75 मीटर, तो अब हमें 15 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है और उस पर 75 मीटर दिखाने हैं। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रेखा खींच कर 3-3 से 5 मुख भाग कीजिए और दूरी व्यक्त करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ क्या किया, ये 15 सेंटीमीटर रेखा खींची, उसमें हमने देख लिया कितने इसमें, तो आपको 15, 30, 45, 60 और इधर 75 के इसे समान भाग कर दिए। यहाँ पर हमने 15-30 आपके मीटर लिख दिए और इधर आपने डेसीमीटर, इससे छोटी मीटर से छोटी इकाई, तो 30, 60, 90, 120, ये भी 150 डेसीमीटर कहें या 15 मीटर कहें एक ही बात है। तो ये हमारा वो बनकर तैयार हो गया है RF। इसमें कुछ पुस्तक में कुछ गलती दे रही है, यहाँ पर 1:63 नहीं है, 1,005 है या 500 आएगा, कुछ पुस्तक में त्रुटि हो रही है आपको यदि नज़र आ रहा है तो। उदाहरण 3, फिर हम एक सवाल लेते हैं, RF 1:1,00,000 पर 1 किलोमीटर हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए मानचित्र बनाइए, मापक बनाइए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, 1 × 5 = 15 किलोमीटर, इसमें मिस्टेक हो रही है, यहाँ 1 आएगा ये वाला और ये वाला। अब हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर रेखा देंगे और उसको या तो हम उसका 15 भाग करते हैं या उससे कम करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये जो किया है कम किए हैं, 5-6 किए हैं, तो यहाँ पर जैसे 3
पांच किए हैं, तो यहाँ पर जीरो, तीन कम तीन, तीन दून छः, तीन तीनों तीन चौक बारह, ये हो गए किलोमीटर। और इधर भी फिर आपके तीन किलोमीटर, या हम कहें कि एक किलोमीटर दस होते हैं तो आपका छः, बारह, अठारह, बीस, तीस, तो ये आपके ये हेक्टोमीटर। एक किलोमीटर में दस हेक्टोमीटर होते हैं, तो तीन किलोमीटर में तीस हेक्टोमीटर हो गए। तो इस प्रकार से हम साधारण मापक को कैलकुलेट करके हम उसकी गणना आपके दो उनकी होती है, ये हमारे पास में रेखा की लंबाई आ जाती है, इसके बाद में जिसमें जितनी दूरी पढ़नी होती है वो आ जाती है, दोनों करने के बाद में हम इसकी सहायता से साधारण मापक बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मापक किसे कहते हैं, मापक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उसको दो भागों में नहीं दो विधियों के द्वारा एक रेखा को डिवाइड करते हैं, और इसके बाद में साधारण मापक जिसमें हम कम से कम दो इकाई और एक इकाई का दसवां भाग या कैम किलोमीटर का दसवां भाग पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।